जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन वीवर दोस्तों बुजुर्गों भ्राओ तो वीरो सारे मेरी तरफ अस्सलामुअलैकुम। अज असी मांगा मार्केट मजदा मार्केट की अपना ये मार्केट आए हुए हैं, उत्थे एक इंटरव्यू कर लगे हैं जनाब चौधरी मुनव्वर जट सदर साहब। तो की बनया जी मलक एहतशाम गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले शाम साहब जड़े ने वो जनरल सैकटरी जी जनरल सैकटरी मुंतखब कर दिए गए हैं। कल वाले जी वीडियो मैं बनाई सी उस स्टैंड मजदा का जोड़ा सी ओपनिंग हुई सी सारा सैटिंग हुई सी चौकीदार असी मुनव्वर जट साहब ने अपनी तरफों रख लिया है। वो तुम मैं वीडियो कल मैं सुट दी है, वो तुम देख ली होनी है। अज की वीडियो जी जनरल सैकटरी के बारे चाहा मैं तारफ करवा आओ जरा चलने जनाब। लो जी चौधरी सैयद नसीर अहमद हाशमी गुड़ वाले इमरान मिस्त्री हाजी पप्पू सदर चौधरी मुनव्वर जट साहब ऐ जनाब जनरल सैकटरी साढ़े जड़े मुंतखब किए गए ने मलक एहतशाम साहब। हाँ जी हाँ जी सर उची उची थोड़ा रियाज अहमद जीवे सरानी गुड़ जवेद अफजल गुड़ हाँ जी जवेद अफजल गुड़ रियाज साहब ने बैठे। हाँ जी सर जनरल सैकटरी साहब असल वीडियो जी असी बना रहे हैं जनाब मौकफ वो असल जनरल सैकटरी का जे असी जनाब आ गए जनाब जो अपना मौकफ इख्तियार करो जी दसो। सब तो पहले जिहड़े दोस्तों ने इतमाद किया उन्होंने शुक्रिया चौधरी मुनव्वर हुसैन साहब तशरीफ लाए इन्हों खुश आमदीद कहने नसीर शाह साहब मिस्त्री इमरान साहब हाजी असलम साहब रियाज साहब अल हरम गुड़जाले राणा मुमताज़ साहब अरशद साहब सारे का शुक्रिया जिन्होंने इतमाद किया और इंशाल्लाह कोशिश करांगे इन्हां दे इतमाद ते पूरे उतरीए और इन्हां दे मसाइल मिलजुल के असी हल करिए। बहुत शुक्रिया जी मुनव्वर जट साहब सदर मांगा मार्केट मजदा एसोसिएशन जी। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है दोस्तों, खैर है सारे ठीक ठाक हो। असी ये फैसला किया है कि मलक शाम को जनरल सैकटरी बना के ते सारे दफाए आमा दे काम करिए क्योंकि कला बंदा कोई भी नहीं शेयर हुंदा, इस वजह तो सारे दोस्तों नाल मिलजुल के ठीक है मीटिंग की इतने बह के मलक इतशाम के दफ्तर ठीक है ना। तो इंशाल्लाह असी जो लोगों के मसले मसायल होए इंशाल्लाह गुड्स ट्रांसपोर्ट दे इंशाल्लाह नेक नीति नाल असी इन्हों इंशाल्लाह मकद मसूद ते पहुँचावे। हाजी पप्पू साहब जी अस्सलाम वालेकुम जी, गल जी भराओ जे रल के चला दे तो कामयाब रहा दे, जे असी कल्ले कल्ले चलीए तो असी कल्ले ही फिर कल्ले ही आ तो नाल कोई चलने वाला ना होएगा तो कोई मसला भी नहीं हल होएगा। असी सारे रल के चला दे, अजकल तो गड्डिया तो डकेटियां हो रही हैं, गड्डिया खुस रही हैं, बड़े मसायल ने, माल चोरी हो रहा है, इत्थे कुछ ऐसे भी फराद ने जेडे अंदरले खाने साढ़े नाल ने बकाया जेडे बाद साढ़िया जड़ा भी वड रहे हैं। इस तरह कि असी एक होवे कि मसले ड्राइवर के भी ने मालकों के भी ने, इत्थे गड्डिया जगह डक के चोरी करते हैं, तेल कट लेंगे ने, बैटरियां ला रहे हैं, गड्डिया टायर खोल रहे हैं, ड्राइवर गड्डिया लिया के भजते हैं। इस गल असं ये सोचिए कि सारे रल के भरा एक यूनियन बनाइए तो रल के चलीए, जो असं रल के चलेंगे इतफाक करांगे तो सारे असं कामयाब हाँ, तो जे असं वक्ो वक् रहांगे तो असं किसी नाल भी नहीं है, तो साढ़ा मसला ही कोई नहीं है। अगर ट्रांसपोर्ट एक बड़ी वड्डी ताकत है, अगर ये जरा असी रल के चलेंगे तो असी जो मर्जी कर सकते हैं। हूँ गड्डिया के कागजात दो नंबर दिते गए ने, किसी ने कुछ नहीं किया, लखा करोड़ा अरबा रुपया का नुकसान होया, मालका का की कसूर है, पैसे खाते ने ते एक्साइज वाले खाते ने, साडा ये कोई मसला नहीं है। ताड़ी मेहरबानी रल के चलो साढ़े नाल इतफाक करो, असी ताड़े नाल इतफाक करांगे, तो लिहाजा मेरा वीर असी तैयार हाँ ताड़े नाल चलने
ट्रांसपोर्ट की एक है ही बड़ी वड्डी ताकत है। 10 मिनट असी अगर ट्रैफिक बंद कर दीए ना तो पूरे पाकिस्तान के हलचल मच जाए। जे असी चाहिए ना कट्ठे होकर चलीए ना तो असी बड़ी वड्डी ताकत हाँ। असी मारने कले कले होके ना सानू कोई ना लैके टोरदा तो ना असी किसी टोरने इतफाक नाल चलीए तो सारा कुछ ही है। नहीं चलेंगे तो असी अपना नुकसान आप करा दे। ओके अस्सलाम वालेकुम। जो हाई साहब कह रहे थे सानू इतफाक है और असम पहले भी चौधरी मुनव्वर ग्रुप हैं फिर भी चौधरी मुनव्वर ग्रुप हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। दोस्तों कला बंदा वाकई हाजी साहब के कहने कुछ नहीं कर सकता। हमेशा इतिहाद से इतफाक बरकत है तो जिन्ना इतफाक न चलोंगे उन्नी ही साड़ी कामयाबी साढ़े मसले मसायल काफ़ी ने जोड़ा कला बंदा कोई भी हल नहीं कर सकता। तो इन यही है कि अं मिलजुल के चलोंगे एक यूनियन होएगी एक इतफाक होएगा चंद दो बंदे साढ़े जो मुंतखब हो गए ने इन्हों साथ देंगे पूरा पूरा तो असं कामयाब होवे। बाकी सारे दोस्तों वाले अपील है कि मिलजुल के तावन करो। मेहरबानी जज़ाकअल्लाह जी। लो जी जनाब ਇਹ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚੰਦ ਕੁ ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨਾ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਵਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਨਸੂਬ 'ਤੇ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਤੀ ਹੈ ਚੰਦ ਇੱਕ ਅਫਰਾਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੁਹੱਬਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੇ ਮਾਂਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਮਜ਼ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁੱਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਨਾਬ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਆਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।